हेलो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा बाइनोमियल। बाइनोमियल को किस तरीके से डिस्कस करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बाइनोमियल के अंदर मिलते हैं वो देख लेते हैं। बाइनोमियल क्या है? बाइनोमियल बेसिकली आपको मैं बता दूं, बाइनोमियल एक ऐसा आइडेंटिटी होता है जिसकी पावर अगर हम 3 से अपर लेते हैं तो वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने का काम करती है बाइनोमियल थ्योरम। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक बाइनोमियल x प्लस वाई, ये कोई एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन, सॉरी इसकी डिग्री मैं कह देता हूँ कि 4 है या इससे अपर है, या इससे अपर है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे बाइनोमियल थ्योरम की आवश्यकता होती है। किस थ्योरम की आवश्यकता होती है? बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? देखिए, बाइनोमियल थ्योरम होती है कि x प्लस वाई की पावर यदि आपके पास n है तो आप इसे लिखेंगे एन सी जीरो एक्स की पावर 0 और y की पावर n। यहां पर आएगा प्लस एन सी 1 और x की पावर यहां पर होगा 1 तो y की पावर n माइनस 1, प्लस एन सी 2 और यहां पर होगा x की पावर 2 y की पावर n माइनस 2, प्लस ऐसे ही चलता है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन मिला है और उस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को मेरे जरिए से एक्सपेंड करने का काम आप इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से करेंगे, इनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, देन उसके बाद आप इसे एक्सपेंड कर पाएंगे। जैसे लाइक मान लीजिए कि आपको यहाँ एन सी 1 दिख रहा है या एन सी एन दिख रहा है, ये चलिए 1 ले लेते हैं, एन सी 1 दिख रहा है, तो इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी आना चाहिए आपको, देख लेते हैं। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, देखिए पहले मैं बता दूं, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ता है n फैक्टोरियल, नीचे वाले टर्म को आप लिखेंगे r थोड़ी देर के लिए, तो ये होगा r फैक्टोरियल जैसे के तैसे, और यहां पर n माइनस r फैक्टोरियल, यानी इसे इस प्रकार से एक्सपेंड किया जा सकता है। फैक्टोरियल का मीन्स मैं बता दूं, फैक्टोरियल का मीन्स होता है कि उससे छोटी सारे नंबरों का उसके अंदर मल्टीप्लाई होना। क्या, जैसे मान लीजिए 5 के ऊपर फैक्टोरियल लगा है तो 5 से छुट्टी 4, 3, 2, 1 उन सब का मल्टीप्लाई उसके साथ हो रहा होगा। जैसे यहां देख लीजिए, मैंने लिखा है एक नंबर 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को मैं देख पा रहा हूं कि 7 फैक्टोरियल में क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इस तरीके से 7 फैक्टोरियल को हम कह सकते हैं, ये क्लियर बेटा, 7 फैक्टोरियल को हम कह सकते हैं ये। तो यहां पर n फैक्टोरियल है, इसका मींस ये है कि n से छोटे सारे नंबरों का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। बट अब आपने कहा सर हमें तो ये बताइए कि ये एक्सपेंड कैसे होगा, तो एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करने के लिए हम एक कोई वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे बाय बाइनोमियल। ओके, देखते हैं किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं उसे। देखें, मैं यहां पर आपसे कहने वाला हूं कि मैंने तो क्या किया कि मैंने यहां पर किया कि n की जगह पर 4 ले लिया। क्या ले लिया? n की जगह पर 4 ले लिया। चलिए, बोला ठीक है गुरुजी, आप n की जगह 4 ले लीजिए, 1 प्लस x की पावर, या आप ऐसे लिखिए a प्लस b की पावर 4 लिख दिया। आप इसे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। देखिए एन सी यानी एन का काम कौन कर रहा है, 4, सी यानी के एन सी सॉरी एन सी 0, ए की वैल्यू जो होगी वो, ए की वैल्यू जो होगी वो 0 और बी की वैल्यू जो होगी वो 4, 4c1, ए की वैल्यू जो होगी 1 और बी की वैल्यू जो होगी वो 3, 4c2, ए की वैल्यू जो होगी वो 2 और बी की वैल्यू जो होगी वो 2, प्लस 4c3, ए की वैल्यू जो होगी वो 3 और बी की वैल्यू जो होगी 1, प्लस 4c4 और ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 0। देन ये एक्सपेंड कर दिया हमने बाय बाइनोमियल थ्योरम। अब यहां पर देखेंगे 4c0 को 4c0 लिखिए, ठीक है, 4c0 को 4c0 लिखिए, ये खत्म हो जाएगा, यहां पर होगा बी 4, प्लस यहां पर आएगा, देखिए 4 फैक्टोरियल है, 4c1, a की पावर 1 और b क्यूब, ये हो जाएगा, प्लस 4c2 हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा,
4c3aq b हो जाएगा प्लस 4c4a की पावर 4 हो जाएगा। अब मैं यहां पर आपको कुछ रिजल्ट देने वाला हूं। रिजल्ट क्या देने वाला हूं वो देख लीजिए। रिजल्ट आपको देने वाला हूं कि यदि आपको nc0 कहीं दिखे तो वो बराबर होता है ncn के। ठीक है, क्या यदि आपको कहीं nc0 देखे तो बराबर होता है nc1 के, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि nc1 कहीं दिखे तो आप इसे ले लीजिएगा, nc1 जहां दिखेगा वहां होगा ncn माइनस 1, और इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो आएगी n। सिंपल, क्लियर? ये दो रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। जब आप दूसरे रिजल्ट की बात करेंगे, दूसरा रिजल्ट देखेंगे तो यहां पर आएगा nc2 और यहां होगा ncn माइनस 2, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो होगा एन एन प्लस 1 बाई 2। क्लियर, ये इसका रिजल्ट होगा। तो आपको ये तीन टर्मों के रिजल्ट याद होने चाहिए, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि रटें। क्या कर लें? रट लें इसे, बिल्कुल रटे बगैर काम नहीं चलेगा। एन सी जीरो, भाई एन सी जीरो बराबर होता है एन सी वन एन सी एन के, और इन दोनों की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो ये पहला बी की पावर 4 ही होगा। प्लस यहां पर देखा एन सी वन, तो एन सी वन होता है एन माइनस 1, यानी कि इसका और इसका वैल्यू आपका और इसका इक्वल होने वाला है, तो इसका वैल्यू होता है एन, तो इसका आंसर आया 4abq। प्लस यहां पर आप इसे सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू आया था आपका क्या, 4aqb प्लस यहां पर आया 1 की पावर 4। ये हो गया। इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आपको करना ये होगा कि 4 फैक्टोरियल, यहां पर देख लीजिए 4c2 को सॉल्व करने के लिए पहले 4 फैक्टोरियल लिखना है, फिर यहां r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से इसको माइनस किया तो 2 फैक्टोरियल होगा। क्लियर, यहां होगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में होगा 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहां आएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6। क्या आ गया यहां पर? 6। तो आप इसे लिखेंगे 6a² b² देन ये आपका आंसर होगा, तो ये रिजल्ट आपको लर्न होने चाहिए, पहला दूसरा और तीसरा रिजल्ट, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगे। जब आप इन रिजल्ट को याद कर लेंगे तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हो गया, चलिए रेज करते हैं। अभी आपने क्या किया कि x प्लस वाई के किसी n टर्म n डिग्री वाले किसी एक्सटेंशन बाइनोमियल एक्सटेंशन को एक्सपेंड किया। अभी हम फिर अगेन एक और देखते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां कहा आपको कि 2 माइनस, यानी कि आपके पास जो है वो वैल्यू है x माइनस वाई की। क्या है? x माइनस वाई की वैल्यू है, तो आप इसे लिखेंगे x माइनस वाई की होल पावर, मैंने लिख दिया यहां 7, या आप यहां लिख लीजिए 5 लिख लीजिए, ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहां पर किया x माइनस वाई की पावर 5 है, तो x माइनस वाई की पावर 5 को किस तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है देखेंगे। 5 हमारा n कवर कर रहा है, तो 5c0 x की पावर 0 और माइनस वाई की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर 1 और माइनस वाई की पावर 2 प्लस 5c2 x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 3 प्लस 5c3 x की पावर 3 माइनस वाई का स्क्वायर। ओके, अगेन आप देखेंगे प्लस 5c4 x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 1 प्लस 5c5 एक्स की पावर 5 और माइनस वाई की पावर 0। ये आ गया।
अब इस केस में आपको करना ये है, इस केस में आपको करना ये है इसे एक्सपेंड करना। इसका वैल्यू वन मैंने बताया था, इसका और इसका वैल्यू वन होगा लास्ट वाले टर्म का। इसका वन होगा, किसी की पावर जीरो होती है, किसी वेरिएबल की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू वन होती है, तो ये वन हो गया। यहां है माइनस, तो माइनस वाई की पावर फाइव, तो माइनस मैंने लिखा वाई की पावर फाइव, ठीक है, माइनस वन वाई की पावर फाइव भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइव सी वन फाइव होता है, ठीक है, x की पावर 1 तो ये x होगा, यहां ये पॉजिटिव हो जाएगा तो y की पावर 4 हो जाएगा, प्लस xc2 15 होगा x स्क्वायर माइनस y क्यूब से, ठीक है, प्लस अब ये रिपीट होगा अगेन, तो ये क्या था 2, तो ये क्या है 3, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे तो ये आएगा 15 x³ y² ओके, ये हो गया। इसकी वैल्यू करूंगा बात तो मैं, ये इसके बराबर होगा यानी कि 5 होगा, प्लस 5x⁴ और माइनस y, और ये वाला तो है ही आपका 1, तो प्लस ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये होगा x⁵। ये आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंड होकर मिल गई है। चलिए अब इसे सीक्वेंस में लगा लेते हैं और माइनस के कॉम्बिनेशन को फिनिश कर देते हैं। तो मैंने क्या कहा, पहले x वाले टर्म को ले लिया x⁵, पीछे से उस टर्म को उठाया प्लस की जगह -5x⁴y, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 15x³y², ये हो जाएगा आपके पास -15x²y³, और ये हो जाएगा आपके पास 15xy⁴, और ये हो जाएगा आपके पास y⁵। तो यही होगा आपका आंसर, क्या होगा, यही होगा आपका आंसर, क्लियर, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। चलिए ये नोट कर लीजिए, अब हम देखेंगे जनरल टर्म, रेस कर रहा हूं भाई, अब हम देखेंगे जनरल टर्म। रेस्पेक्ट कहेगा किसी के और कहेगा कि आप इसके रेस्पेक्ट में एक जनरल टर्म फाइंड आउट करिए। जैसे मैंने कहा आपको कि 1 x² 5 का x² के रेस्पेक्ट में मैं जनरल टर्म बताइए, क्या बताइए, जनरल टर्म बताइए। तो देखें जनरल टर्म के लिए आपको मैं बता दूं, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, TR+1 NCR x⁻(n-r) और y⁻(r). ये आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अब इससे देखिए जनरल टर्म सेकंड नंबर कैसे निकाला जाता है। जनरल टर्म निकालने के लिए सबसे पहला काम, आपको जो फॉर्मूला दिया है उसे इस फॉर्मूले, जो वैल्यू दी गई है उसे इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। एन हमें आर दिया नहीं है तो आर हमें पता नहीं है, इसे ऐसे ही लिखेंगे। एन सी आर, तो एन है हमारा 5, सी आर हमारे पास है नहीं है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो एन यानी 5 - r होगा। यहां पर आपने देखा y है, y की जगह पर यहां x² है, और x² की पावर क्या होगी, यहां पर r होगी, क्लियर। सॉल्व किया तो 5cr होगा, -1 - r होगा, तो यानी कि 1 की वैल्यू तो कुछ भी क्यों हो, ये फिर से हो जाएगा 1 होगा। यहां बचेगा आपके पास क्या, 2r, क्या बचा, 2r, x के टर्मों में आपका r की वैल्यू जो है वो 2r बची यहां पर, याद है। अब देखिए ये हमें मिला जनरल टर्म के आर के रूप में मिला, यानी आर की जगह पर हमें अब ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इसका एक प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट कर दे। तो जिसके रेस्पेक्ट में आपसे कहा जा रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में आपसे कहा जा रहा है, उसके रेस्पेक्ट में आप एक्स के टर्मों को रख लीजिए, इक्वल रख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक्स 2r है यहां पर, और वहां पर है x = 2, इसके रेस्पेक्ट में कह रहा था, यहां पर है x², यहां पर x², तो देखें 2 से 2 कैंसिल आउट, तो r = आपका मिला 1,
क्लियर, क्या मिला 1। और जैसे ही मैंने यहां 1 रखा, जैसे ही मैंने यहां 1 रखा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5c1 और यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 5, और यहां हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। तो आंसर हुआ आपका 5x स्क्वायर। क्लियर, तो आप इस तरीके से जनरल वैल्यू, जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले करना यह होगा कि आपको जनरल फॉर्मूला आना चाहिए, और उस जनरल फॉर्मूले में आपको क्या करना है, आर की वैल्यू लगाकर उसे पुट कर देना है, देन आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन आपके पास देख लेते हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहां पर मैंने किया, यहां पर किया एक्स प्लस वाई, ओके, और यहां पर लिखा एक्स क्यूब। तो यानी एक्स प्लस वाई का जनरल टर्म बताना है, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में। सिंपल, इस फॉर्मूले में आप इस वैल्यू को पुट करिए। पहले तो एन हमारा 5 है, 5cr, x की वैल्यू a माइनस r, तो यहां r हमारे पास है नहीं, तो x x है, तो ये हो जाएगा 5n, सॉरी n की जगह पर 5 माइनस r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 माइनस r हो जाएगा, और y की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी r, हमारे पास r है नहीं है। क्लियर, 5cr, और x की वैल्यू को लिख सकता हूं 5 इंटू में, चलिए इसे 5 माइनस r ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसे अलग अलग करें। जैसे आप इसे इजीली करेंगे तो देखो ये वाला टर्म हमें 5 माइनस r मिला है, और हमें x क्यूब को इक्वल रखना है। तो जब हमने x क्यूब को इक्वल रखा, क्या रखा? 5 माइनस r को रखा, तो यहां पर मिला x क्यूब, और r इज इक्वल टू आपने देखा, तो r इज इक्वल टू आपने देखा, तो क्या मिला आपको? r इज इक्वल टू मिला 2। क्या मिला? r इज इक्वल टू मिला 2, और इस 2 को आप उठाकर यहां रख दीजिए, तो r 2 प्लस 1 मिलेगा, ये हो जाएगा 5c2, ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 है तो 3, x की वैल्यू 3, और यहां मिलेगा y है, तो y r के टर्मों में होगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा। जब ये वैल्यू हमें मिल जाएंगी, तो इस वैल्यू के चक्कर में अब हम करेंगे क्या कि इससे फैक्टोरियल करके सॉल्व करेंगे। इसका फैक्टोरियल क्या होगा? देखिए, हमने बताया था आपको सेकंड टर्म के लिए कि 5c2 को आप लिख सकते हैं n n प्लस 1 और n प्लस 2, इस तरीके से लिखा था, और 3 फैक्टोरियल यहां था, बट इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो आपको करना ये होगा कि इसे इजी फॉर्म में करने के लिए 5 फैक्टोरियल ऊपर लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल डाउन में, और 2 फैक्टोरियल यहां। सिंपल सा फंडा है, एक बार सेम सेम लिख लीजिए दोनों को, एक बार इसे माइनस करके लिख दीजिए। जब मैंने देखा तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा 4 5, ओके, और यहां 2, 2 से 2 जाएगा तो 10 आएगा। क्या आएगा आपका? 10। तो 10 आएगा, यहां पर होगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो यही आपका आंसर होगा। यानी x क्यूब के रेस्पेक्ट में अगर आप इसके जनरल टर्म की बात करेंगे तो वो जनरल टर्म होगा ये। क्लियर, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जनरल टर्म, ओके। चलिए नोट कर लीजिए इसे, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए एक दो आइडेंटिटी मैं यहां लिखूंगा, दो आइडेंटिटी मैंने पहले ही सॉल्व करके बना रखी है, ठीक है। तो उन दो आइडेंटिटी के बेस पर आप कर सकते हैं जो कि आरडी शर्मा में भी आपके एक्सपेंड की गई है। देखिए यहां पर मैंने लिखा एक्स प्लस वाई की पावर एन, या आप कह सकते हैं इसे एक्स प्लस वाई की पावर एन प्लस एक्स माइनस वाई की पावर एन, इस तरीके से कह सकते हैं। जब आपको कंडीशन मिले कुछ इस तरीके की, तो आप इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं 2 nc0, एन सी जीरो एक्स की पावर 0 और y की पावर n, ये लिख सकते हैं, प्लस एन सी टू एक्स की पावर 2 और y की पावर n माइनस 2, प्लस एन सी फोर एक्स की पावर 4 y की पावर n माइनस 4, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी रहेगी। दूसरा रहेगा x प्लस वाई की पावर n माइनस आ जाएगा और x माइनस वाई की पावर n हो जाएगा, 2 यहां रहेगा, बट यहां पर अब की बार इवन नंबर आ रहे थे, वहां पर ऑड नंबर हो जाएंगे, एन सी वन एक्स की पावर 1 वाई की पावर n माइनस 1, प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर 3 वाई की पावर n माइनस 3, प्लस एन सी फाइव एक्स की पावर 5
y की पावर n माइनस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं और इजी वे में इसे सॉल्व करने का आपको इससे बेहतर तरीका कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करिएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाते हैं, देन आप इसे फिनिश करते हैं। फिर इसके आगे का जो टॉपिक होगा उसे भी हम बताएंगे कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, और बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को घिस देंगे, कोई आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, मैंने यहां पर लिखा, क्या लिखा कि x की जगह पर 2 ले लिया प्लस x की जगह पर 2 ले लिया, 2 प्लस x की पावर 5 माइनस 2 माइनस x की पावर 5, ये करना है आपको। ये 0 और x की पावर 5 हो गया प्लस 5c2 होगा, 2 की पावर 2 और x की पावर 3, क्लियर, प्लस 5c4 हो गया, 2 की पावर 4 और यहां हो जाएगा 5 से 4 को माइनस करेंगे तो सिंपली x, और यहीं पर आपकी एक वैल्यू फिनिश हो जाएगी क्योंकि इससे आगे 5 का टर्म कोई मिलेगा नहीं, तो वो यहां पर फिनिश हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसे आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू होती है सब 1, ये 1 और x की पावर 5 हो गया, प्लस ये वैल्यू जो होगी वो दूसरा टर्म होगा, फैक्टोरियल अभी निकाला था वो 10 आएगा और 10 into 4x क्यूब होगा। यहां पर आपने देखा कि ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म होता है किसके इक्वल, सेकंड वाले के इक्वल, यानी कि यहां पर 1 वाले के इक्वल में, तो 1 वाले का इक्वल जो होता है वो 5 आएगा, क्या आएगा 5, यहां पर आएगा 5 और 2 की पावर ये होगा 16 और यहां पर हो जाएगा, सॉरी 4 और 4 16 होगा और यहां पर हो जाएगा x, ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से इन वैल्यूओं को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कुछ इंपॉर्टेंट भाग जो कि आपका बाइनोमियल से लिया गया है। ठीक है, इससे आगे की क्लास हम आगे अगली वीडियो में देंगे जिससे आपको और भी कॉन्सेप्ट को मजबूती मिल जाए। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा से ज्यादा और इन क्वेश्चन के बाद हमें बताइएगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कितना अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी इंक्रीज करिएगा जिससे कि हम और भी बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।